दंगल का वो डायलॉग कि ट्रॉफी तो ट्रॉफी होती है चाहे वो छोरा लाए या छोरी, और आज आरसीबी की छोरियों ने वो कर दिखाया जो 16 साल से आरसीबी मैन नहीं कर पाई। जी हाँ, पहला आईपीएल टाइटल, डब्ल्यूपीएल टाइटल माफ करिएगा, पहला डब्ल्यूपीएल टाइटल जीत चुकी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की वुमेन्स की टीम और एलिस परे और स्मृति मंदाना की गजब की साझेदारी के बावजूद ये गेम 113 रन का लक्ष्य था उसको आराम से जीता है, 8 विकेट से इस मैच को जीता है और इंस्पिरेशन दी है आपके आपके आरसीबी फैंस को और आरसीबी के बॉयज टीम को कि इस साल आप लोग भी लेके आए हैं ट्रॉफी, इस साल कप नाम दे फॉर ओनली फॉर द मेंस नाउ, क्योंकि वुमेन्स ने सेकेंड सीजन में ही ये कर दिखाया जो मेंस टीम 16 साल से नहीं कर पाई है। इसका श्रेय और श्रेय बिल्कुल आरसीबी की पूरी यूनिट को जाता है, पूरी कोच को जाता है, पूरी कोच यूनिट को जाता है और पूरी मैनेजमेंट को जाता है जिस तरीके से उन्होंने इस साल के डब्ल्यूपीएल के सीजन को खेला। पहले दो गेम जीतने के बाद बॉटम में आने वाली आरसीबी की टीम और उसके बाद फिर वहां से ऊपर चढ़ी और आज उन्होंने एमआई को बीट करके एलिमिनेटर राउंड में और यहां पे डीसी जो बहुत बढ़िया टीम थी, बहुत अच्छा खेल रही थी, लाजवाब उन्होंने पूरे सीजन को खेला लेके आरसीबी से 113 रन में ऑल आउट हुई और वहां से 114 रन मुश्किल सा, बहुत मुश्किल सा कोई टारगेट नहीं था वो, और उसको वो जीत ली है आरसीबी और कमाल की पारी हुई है एलिस पेरी की। एलिस पेरी ने कमाल कर दिखाया जो देखते हुए आए हम लोग उनके वर्ल्ड कप चैंपियन, इतनी बार वो वर्ल्ड कप चैंपियन हुए हैं, इतनी बार उन्होंने बहुत सारे ट्रॉफीज जिताए हैं ऑस्ट्रेलिया को और यहां पर भी उन्होंने जो कर दिखाया जो मेंस टीम नहीं कर पाई है। आपको क्या लगता है, क्या आरसीबी टीम मेंस की भी लेके आएगी इस साल कप, कमेंट करके जरूर बताओ। जितने भी आरसीबीएंस हैं जरूर कमेंट करें इसमें, इस साल कप नाम दे, इस साल तो मेंस भी टीम को कप तो बनता ही बनता है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए और क्रिकेट अपडेट्स के लिए लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स डायनामिक।